बच्चों, जैसे आपको पता है कि हमारा टॉपिक शुरू है जेनेटिक टर्मिनोलॉजीज, जिसमें हम डेफिनेशंस की बात कर रहे हैं। ओके, तो जो कुछ रिमेनिंग डेफिनेशंस हैं यहाँ पे, पहले वो हम क्लियर कर लेते हैं। अब इस डेफिनेशन में सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो है चेकर बोर्ड। ओके, तो बात करते हैं ये पुनेट स्क्वायर क्या है, ये चेकर बोर्ड क्या है। चेकर बोर्ड की वजह से ही मेंडल्स को रिजल्ट मिले थे। एक्चुअल में जो रेशो है, जो रिजल्ट है, उनको इस चेकर बोर्ड की वजह से काफ़ी आसानी गई रिजल्ट निकालने में। ओके, सो जानते हैं चेकर बोर्ड क्या रहते हैं। चेकर बोर्ड, उन्होंने जब रिजल्ट ड्रॉ किए थे, जब रिजल्ट निकाले थे, तो इस चेकर बोर्ड के वजह से उनको ईजी गया रेशो निकालने में। 1 मिनट, यहाँ हमें बॉक्सेस ड्रॉ करने पड़ेंगे। ऐसे मैंने यहाँ पे बॉक्सेस ड्रॉ किए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ जीन्स भी यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। जैसे एग्जांपल, यहाँ पे अगर यह कैपिटल टी है, तो यहाँ पे भी मैं लिखूँगा कैपिटल टी। ओके, यहाँ पे मैं लिखूँगा कैपिटल टी, सॉरी, यहाँ पे लिखूँगा मैं स्मॉल टी, और यहाँ पर लिखूँगा स्मॉल टी। बाकी बॉक्स रहने दो। अब यहाँ पे इस जीन्स को कैसे पेयर बनाएंगे देखना। ये कंसेप्ट और ये कंसेप्ट, ऐसे दो जगह हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इनको हमें मिलाना चाहिए यहाँ पे, जैसे कि इस तरफ से आएगा कैपिटल टी, इस तरफ से आएगा स्मॉल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी बन गया पेयर। सेम चीज़ कैपिटल टी स्मॉल टी, ये वाला बॉक्स में क्या होगा, ये वाले बॉक्स में होगा सर कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर से होगा कैपिटल टी स्मॉल टी। समझ में आया ना ये कैसे हमने ड्रॉ किया। तो रिजल्ट जो बना यहाँ पे, 4 कैपिटल टी स्मॉल टी बने, 4 कैपिटल टी स्मॉल टी बने। दैट्स आवर रिजल्ट, दैट्स आवर रिजल्ट, दैट्स आवर रेशियो। वो आगे हम पढ़ेंगे बच्चों, वन बाय वन। यहाँ पे आप मतलब आपको सिर्फ इतना समझना है कि चेकर बोर्ड की वजह से हमें इस तरह के रिजल्ट मिलते हैं। गॉट इट, क्रॉसिंग करने के बाद। चलो, आपको ये बात समझ में आ गई। क्या कहा इन्होंने, इट इज़ अ प्रोबेबिलिटी टेबल रिप्रेजेंटिंग अ डिफरेंट परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन बिटवीन गमिट्स। मतलब गमिट्स के बीच में जो फर्टिलाइजेशन होता है, उसके रिजल्ट ये शो करता है। टू द अपोजिट मेटिंग टाइप्स, अपोजिट मेटिंग टाइप का सीधा मीनिंग ये है कि अगर यहाँ पे हमने टेबल ड्रॉ किया, ठीक है, तो इस तरफ हमें ड्रॉ करना पड़ेगा मेल और इस तरफ ड्रॉ करना पड़ेगा फीमेल, तो ये हो गए अपोजिट सेक्सेस। यहाँ मैंने लिखा था कैपिटल टी, सॉरी, यहाँ हम लिखेंगे स्मॉल टी स्मॉल टी, यहाँ लिखेंगे कैपिटल टी कैपिटल टी। गॉट इट। सो यहाँ रिजल्ट जो मिलेगा वो अपोजिट मिलेगा, फीमेल कैपिटल टी मेल स्मॉल टी, फीमेल कैपिटल टी मेल स्मॉल टी। इधर भी सेम केस, फीमेल कैपिटल टी मेल स्मॉल टी, फीमेल कैपिटल टी मेल स्मॉल टी। तो ये हुआ अपोजिट मेटिंग टाइप्स। इन शॉर्ट, इट इज़ द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ पर्टिकुलर क्रॉस टू प्रेडिक्ट। यू नो व्हाट इज़ अ प्रेडिक्ट, क्या रहता है। तो प्रेडिक्ट मतलब इन रिजल्ट की वजह से हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि एक्चुअल में प्रोजेनी क्या बनेगी। समझ में आया आपको। जैसे जब ये रिजल्ट आया, क्या बने, 4 कैपिटल टी स्मॉल टी, तो 4 कैपिटल टी स्मॉल टी कब बनते हैं, जब कैपिटल टी क्रॉस होता है स्मॉल टी के साथ, तब जाके 4 कैपिटल टी स्मॉल टी बनेंगे। ये हमें हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं इस टेबल की वजह से। ओके, तो बच्चों ये हुआ पुनेट स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड एज चेकर बोर्ड। नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी बैक क्रॉस के बारे में, और उसके बाद हम बात करेंगे टेस्ट क्रॉस के बारे में। ये बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस क्या है जानते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले बैक क्रॉस, इट इज़ अ क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी विथ एनी वन ऑफ द पेरेंट्स। ओके, एग्जाम्पल, जैसे F1
टॉल क्रॉस विथ प्योर टॉल, एफ वन टॉल क्रॉस विथ प्योर डॉर्फ। ओके, समझे इस बात को। सबसे पहले हमें यहाँ पे पेरेंट्स लेने पड़ेंगे। सो पेरेंट्स, पेरेंट्स है कैपिटल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, उसके बाद में जीनोटाइप, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हुआ, पेरेंट्स हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था पेरेंट्स टॉल क्रॉस विथ डॉर्फ। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी, नहीं है? यस। इनके जीनोटाइप क्या है सर? इनके जीनोटाइप है कैपिटल टी कैपिटल टी, डॉर्फ का है सर स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, टॉल का कैपिटल टी कैपिटल टी, डॉर्फ का स्मॉल टी स्मॉल टी। इनके गमिट्स, इनके गमिट्स है सर, यहाँ से आएगा सर ओनली वन टी और यहाँ से भी आएगा ओनली वन टी, है ना? ये गमिट्स हो गए, गमिट हैप्लॉइड पता है आपको। बाद में एफ वन बनेगा क्रॉसिंग के बाद, तो एफ वन बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों क्रॉस होंगे ना? यस। तो क्या बना? एफ वन कैपिटल टी स्मॉल टी, इसे हम कहते हैं एफ वन हाइब्रिड। दैट्स अ रिजल्ट। ओके, अब बच्चों ये जो एफ वन है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये एक्चुअल में है टॉल। क्यों सर? हाँ, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल टी आया हुआ है, कैपिटल टी की वजह से रिजल्ट क्या मिला? लास्ट टाइम बोला था मैंने कैपिटल टी की वजह से रिजल्ट क्या मिलेगा? टॉल। तो बताइए एफ वन जो है वो क्या बनेगा? सर वो टॉल बनेगा। ठीक है, जब ये एफ वन टॉल बनेगा, इस एफ वन को वापस से क्रॉस करना पड़ता है किसी एक पेरेंट्स के साथ। समझिएगा मेरी बात, जैसे कि ये टॉल जो एफ वन है, इसको एक तो क्रॉस करना पड़ता है डॉर्फ पेरेंट के साथ, है ना? वापस से वो डॉर्फ पेरेंट लेने पड़ते हैं और ये क्रॉस करना पड़ता है। तो हम वहाँ पे क्या लिख सकते हैं? हम ले सकते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विथ स्मॉल टी स्मॉल टी। पता है ना स्मॉल टी स्मॉल टी कौन है? स्मॉल टी स्मॉल टी डॉर्फ है, पेरेंट्स। ओके, समझ में आया? एक तो इस तरह क्रॉस होगा, या फिर दूसरा क्रॉस होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब ये एफ वन दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विथ टॉल कैपिटल टी कैपिटल टी। तो बच्चों एक तो ये पहला क्रॉस होगा या दूसरा क्रॉस होगा, इसे कहते हैं बैक क्रॉस। आपको क्लियर हुआ? तो जो जो सर यहाँ पे एफ वन आपने लिखा है ना, एक तो एफ वन क्रॉस होगा डॉर्फ के साथ या फिर एफ वन क्रॉस होगा इस टॉल के साथ, वी कॉल इट अ बैक क्रॉस। ओके, चलो एक बार मैं यहाँ पे इनको रिपीट करता हूँ, पहले इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ और यहाँ पे जो इन्होंने लिखा है इसका मीनिंग जानते हैं। देखिए इन्होंने बैक क्रॉस में क्या कहा, एफ वन टॉल है प्योर टॉल क्रॉस हुआ, एफ वन टॉल है कंपलसरी प्योर डॉर्फ, और आखिरकार उन्होंने ये कहा। ओके, हम भी यहाँ पे लिखते हैं, एफ वन पता है ना कौन आपको? एफ वन है सर कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, क्रॉस विथ टॉल सर, टॉल कौन है? कैपिटल टी ठीक है। यस, एफ वन कौन है? कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विथ डॉर्फ, डॉर्फ कौन है? स्मॉल टी। समझ में आया? इसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? शॉर्ट में यही लिख सकते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब कौन हुआ? एफ वन क्रॉस विथ एक तो कैपिटल टी मतलब प्योरली टॉल या फिर स्मॉल टी। अब समझ में आया फॉर्मूला ये क्या है? तो ओके, दूसरा यहाँ पे उन्होंने बात की है टेस्ट क्रॉस के बारे में। टेस्ट क्रॉस का मतलब ये है जो एफ वन प्रोजेनी है वो सिर्फ और सिर्फ क्रॉस होती है होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ। मतलब एफ वन जो टॉल होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्रॉस होता है डॉर्फ के साथ, ओनली डॉर्फ, नॉट इट्स नॉट टॉल, इट्स प्योरली डॉर्फ। मतलब यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विथ स्मॉल टी स्मॉल टी, मतलब एफ वन
क्रॉस विथ प्योरली डॉर्फ पेरेंट्स. गॉट इट? तो ये हुआ टेस्ट क्रॉस. सो इट इज़ यूज टू टेस्ट. अब सर ये क्यों करते हैं, ये क्यों करवाते हैं? इट इज़ यूज टू टेस्ट द होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस नेचर ऑफ हाइब्रिड. इट्स अ काइंड ऑफ बैक क्रॉस. अब ये समझिएगा ये क्यों करते हैं. इसका रीज़न ये है कि हमें जानना होता है अगर कोई प्लांट टॉल है, समझिएगा, अगर कोई प्लांट टॉल है तो ये टॉल क्यों है. ये टॉल कैपिटल टी की वजह से है या फिर ये टॉल कैपिटल टी स्मॉल टी की वजह से है. अगर इन दो में से कोई एक आंसर आपको जानना है तो ये टेस्ट क्रॉस करना पड़ता है. आप सिर्फ इतना जानिए बच्चों, ये सिर्फ डेफिनेशन है, आगे चल के हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे. ये सिर्फ डेफिनेशन यहाँ पे उन्होंने कही है, आगे चल के हमें इनका पूरा टॉपिक दिखना पड़ेगा. आप सिर्फ इतना याद रखिए, इनका यूज इसलिए होता है अगर कोई प्लांट टॉल है तो वो टॉल दो पॉसिबिलिटी की वजह से हो सकता है. एक तो कैपिटल टी या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, कोई भी एक आंसर हमें जानना होता है. एक तो ये कैपिटल टी की वजह से टॉल होगा या फिर ये सेकंड नंबर से टॉल होगा. तो ये हमें पता चलता है टेस्ट क्रॉस की वजह से एक्चुअल में ये टॉल क्यों है, एक तो फर्स्ट की वजह से या फिर सेकंड की वजह से. चलो बात समझ में आ गई. और ये जो सेंटेंस उन्होंने दिया है सबसे लास्ट में, बड़ा अच्छा सेंटेंस है ये. ये जो टेस्ट क्रॉस है इट इज़ अ काइंड ऑफ बैक क्रॉस. टेस्ट क्रॉस ये बैक क्रॉस हो सकता है. अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों. हाँ समझिए, बैक क्रॉस में जो F1 था वो क्रॉस हुआ था कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ, मतलब इसमें दोनों टॉपिक आते हैं, समझ में आया. और टेस्ट क्रॉस में F1 क्रॉस होता है ओनली स्मॉल टी के साथ, इसीलिए ये जो बैक क्रॉस आप देख रहे हैं इसमें दोनों टॉपिक आ गए ना. इसमें कैपिटल टी भी आया, स्मॉल टी भी आया. हाँ स्मॉल टी आया इसलिए इसमें टेस्ट क्रॉस भी आया. तो मैं यहाँ पे एक सेंटेंस कहूँगा, इसका मीनिंग आप मुझे जूम मीटिंग में बताना. मैं सेंटेंस ये कहता हूँ, बैक क्रॉस इज अ टेस्ट क्रॉस. इसका मीनिंग आप मुझे समझाना, आप समझाना मुझे. बैक क्रॉस इज अ टेस्ट क्रॉस बट टेस्ट क्रॉस इज नॉट अ थोड़ा सेंटेंस में ही कंफ्यूजन हुआ. वन मिनट, थोड़ा सेंटेंस अपोजिट होना चाहिए था वो, जैसे इन्होंने ये कहा. वन मिनट बच्चों, डोंट बी कंफ्यूज. देखो टेस्ट क्रॉस इज अ बैक क्रॉस बट बैक क्रॉस इज नॉट ए टेस्ट क्रॉस. यह मैंने सेंटेंस आपके सामने लिखा है, इसका मीनिंग मुझे बताना. टेस्ट क्रॉस इज अ बैक क्रॉस, बस बैक क्रॉस इज नॉट अ कंप्लीटली अ टेस्ट क्रॉस. ओके, ये सेंटेंस इसके ऊपर सोचना जरा. क्लियर? ओके, तो लास्टली एक बार रिवाइज करते हैं. बैक क्रॉस का मतलब क्या है, जिसमें सर ये जो F1 है ये बोथ पेरेंट के साथ क्रॉस हो सकता है. और वट इज टेस्ट क्रॉस, सर इसमें जो F1 है ये सिर्फ और सिर्फ क्रॉस होगा रिसेसिव के साथ. ओके ठीक है, नेक्स्ट फिनोटिपिक रेशो का मतलब होता है ऐसा रेशो जो हमें रिजल्ट में दिखाई देता है. फिनोटिपिक कैरेक्टर तो पता है ना आपको, फिनोटिपिक कैरेक्टर क्या रहते हैं, जो कैरेक्टर हमें दिखाई देते हैं. ओके, और यहाँ फिनोटिपिक रेशो में क्या हुआ, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है 3:1. ओके, सो फिनोटिपिक रेशियो में होता है कि जैसे F1 हाइब्रिड है,
जब F1 हाइब्रिड में होता है सेल्फिंग मतलब क्रॉसिंग, इसमें F1 क्रॉस विथ F1 इट विल प्रोड्यूस F2, गॉट इट। जो F2 रिजल्ट मिला उसमें 4 प्लांट्स मिले, क्या मिले 4 प्लांट्स। F2 में 4 प्लांट्स मिले, 4 में मैं फिनोटाइपिक रेशियो की बात कर रहा हूँ, 3 प्लान टॉल मिले, 1 डॉर्फ मिला। 3 प्लांट्स टॉल मिले, 1 डॉर्फ मिला, तो रेशियो क्या हुआ 3:1। कौन सा रेशियो? ये रेशियो है हमारा फिनोटाइपिक रेशियो, इट्स अ फिनोटाइपिक रेशियो जिसमें 3 टॉल है 1 डॉर्फ है। यह समझ में आया आपको? यस और उसी के साथ अगर हम जीनोटाइप की बात करें तो जीनोटाइप में यही रिजल्ट मिलेगा, सिर्फ वो जीनोटाइप के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ये जो 3 टॉल 1 डॉर्फ जो है, अब ये 3 टॉल 1 डॉर्फ क्यों है अब वो समझिएगा आप। तो हम बात कर रहे हैं जीनोटाइप के बारे में, जीनोटाइपिक रेशियो के बारे में। ओके 3 टॉल क्यों है, उसमें 1 कैपिटल टी कैपिटल टी होगा, 2 कैपिटल टी स्मॉल टी होगा और 1 स्मॉल टी होगा। तो रेशियो हुआ 1:2, 2:1। ओके ये दिया है उन्होंने रिजल्ट यहाँ पे। देखो जीनोटाइपिक रेशियो में कुल मिला के आप ये देख सकते हैं कि 3 टॉल कैसे हैं, समझिए यहाँ पे 1 कैपिटल टी कैपिटल टी, 2 कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये आपको पता है 2 और 1 3 2 और 1 3, क्योंकि कैपिटल टी कैपिटल टी भी टॉल है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल है, 2 1 3 होगा और ये क्या हुआ 1 डॉर्फ। हाँ तो जीनोटाइपिक रेशियो क्या हो 1:2:1। ये रेशियो कैसे निकला सर, मतलब इसका रिजल्ट ये ऐसे कैसे आया, ये हम बात करेंगे ड्यूरिंग मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जब मैं आपको इसके जो बाद वाला टॉपिक है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तब आपको ये समझ में आएगा कि ये रिजल्ट आया कैसे एक्चुअल में। ये बात समझ में आ गई, या फिर जनरल एक ओवरलुक कर लेते हैं ये रिजल्ट कैसे आया, तो बाद में मोनोहाइब्रिड क्रॉस में पढ़ना ही हमें। मान लीजिए अब यहाँ पे F2 रिजल्ट निकालना है, यहाँ पे मैं लेता हूँ कैपिटल टी, यहाँ पे स्मॉल टी, यहाँ पे कैपिटल टी, यहाँ स्मॉल टी। ओके F1 जो हमें आया था वो पता है ना क्या आया था, F1 आया था कैपिटल टी स्मॉल टी, बाद में अलग हुए, एक बना कैपिटल टी दूसरा बना स्मॉल टी, उन्हीं को हमने क्रॉस किया। हमारा F1 आया था कैपिटल टी स्मॉल टी, बाद में आपको पता है जब भी क्रॉसिंग होती है वो गमिट्स में कन्वर्ट होते हैं, तो ये गमिट्स है, ये कौन है, ये गमिट्स है, ये भी गमिट्स है जो अलग अलग हुए, ये मेल गमिट्स है, ये फीमेल गमिट्स है। अब क्रॉस अगर होता है ये तो क्या होगा, कैपिटल डी कैपिटल डी कैपिटल डी स्मॉल डी। ओके यहाँ पे कैपिटल डी स्मॉल डी, यहाँ पे स्मॉल डी, समझ में आया। अब बताइए इसका फिनोटाइपिक रेशियो क्या हुआ, इसका फिनोटाइपिक रेशियो क्या हुआ, वो हुआ सर इसमें आप देख सकते हैं ना कितने टॉल है, तो ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, 3 टॉल है और एक ही डॉर्फ है सर, ये हुआ फिनोटाइपिक। जुड़ क्या होगा, जुड़ रेशो क्या हुआ, हाँ कैपिटल टी कितने बार है सर, एक बार है। कैपिटल टी स्मॉल टी कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। स्मॉल टी कितने टाइम्स है सर, एक ही टाइम्स है। तो रेशियो क्या हुआ 1:2, 2:1, गिनो आप। कैपिटल टी 1 टाइम, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 टाइम्स, स्मॉल टी 1 टाइम। तो इस प्रकार हमें F2 रिजल्ट मिला, जो भी रिजल्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं वी कॉल इट F2 रेशियो, गॉट इट। ओके तो बच्चों इन सभी बातों को आप एक बार पढ़िए समझिए, अगर नहीं समझ में आता है तो हम इसे डाउट सेशन में और क्लियर करेंगे, गॉट इट। ओके सो
मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।